हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग होममेड प्रेमिक्स के साथ बनाना सीखेंगे। ये ब्राउनी केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है भाई, जिसने नहीं खाया वो पछताया। इसीलिए मैंने तो भाई खाया और बहुत ही यमी लगा, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, आप भी ज़रूर बनाएं। चलिए हम लोग सीखेंगे पूरा प्रोसेस इस ब्राउनी केक को बनाने का, जो कि हम लोग चूल्हे पे बनाएंगे। विदाउट ओवन आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसको, आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं मैदा ले रही हूँ, जो कि 3/4 कप है। तो इस कप में अगर मैं पूरा भर देती हूँ ना, तो 145 ग्राम मैदा हो जाता है। लेकिन अभी मैं 3/4 कप ले रही हूँ इसी कप से, क्योंकि जो मोल्ड है ना मेरा, उसमें बैटर ज़्यादा हो जाएगा अगर 1 कप ले लूँगी तो। इसीलिए 3/4 कप मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो पूरा 1 कप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर ये डार्क वाला है, और एक आता है जो कि मिल्क में आप मिला करके पी सकते हैं, लेकिन वो वाला ये नहीं है, ये डार्क कोको पाउडर है। और यहाँ 1/4 कप मैंने ले लिया है सेम कप से, लेकिन हमें 1/4 कप नहीं डालना है। अगर आप पूरा 1 कप ले रहे हैं मैदा, तो फिर आप 1/4 कप डालिएगा, लेकिन मेरा 3/4 कप मैदा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कम कर दे रही हूँ। मतलब 1/4 कप से ना, कम से कम 2 चम्मच हम लोग इसको छोटी चम्मच से कम कर देंगे। और इसके बाद हम लोग इस कोको पाउडर को इसमें ऐड कर रहे हैं। कोको पाउडर विकफील्ड कंपनी का मैंने लिया है, आप दूसरी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और सेम कप से 1/2 कप पाउडर शुगर डाल दिया है। यहाँ अभी मिल्क पाउडर भी डालेंगे। मैं यहाँ 1.5 चम्मच डाल रही हूँ छोटी चम्मच से, तो कोई भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर डाल सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स। और अभी डालेंगे हम लोग बेकिंग पाउडर, जो कि देखिए 1 चम्मच मैंने डाला है, छोटी चम्मच से डाला है मैंने, और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा मैंने डाला है। तो 1 कप का अगर हिसाब लेते हैं, तो एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ वेनिला एसेंस भी डाल दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मोडे का ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट जो होता है, उसको मैं ले रही हूँ। ये चॉकलेट मेरे पास रहता है क्योंकि मैं केक अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन ये चॉकलेट इतना ज़्यादा अच्छा है कि ब्राउनी के लिए भी आप इसको यूज़ करिएगा ना, बहुत टेस्टी ब्राउनी बनता है। इस चॉकलेट का बात ही अलग है, ये डार्क चॉकलेट ना खाने में टेस्टी बहुत होता है। इसीलिए ना, अगर आप ब्राउनी केक वगैरह बनाते हैं ना, तो आप ये वाला चॉकलेट ज़रूर लीजिएगा। इसको मैं चॉप करके थोड़ा डाल रही हूँ, देखिए इससे हमारे ब्राउनी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो थोड़ा सा मैंने चॉप करके यहाँ डाल दिया है, और पतला पतला चॉप करके देखिए डाल दिया है। और उसके बाद इसमें हम लोग को ऑयल डालना है, तो ऑयल डालिए या डालिए आप मेल्टेड बटर। तो यहाँ 4 बड़े चम्मच मैं रिफाइंड तेल डाल दे रही हूँ, और नहीं तो आप मेल्टेड बटर यहाँ ऐड कर सकते अभी हैं। हम लोग इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, देखा आपने मैंने कितना सा डाला, तो थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक डाल दिया है। और इसको बहुत अच्छे से एक मिक्स दे देते हैं हम लोग। ये देखिए, तो चॉकलेट है और कोको पाउडर है, ये दोनों चीज़ें मिल करके ना ब्राउनी केक को बहुत ज़्यादा चॉकलेटी बना देगा। यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, और यहाँ हम लोग अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध लेंगे, और दूध को मिक्स करेंगे और एक बैटर बनाएंगे। और आगे देखिएगा कि बैटर कितना गाढ़ा रहेगा, उसी हिसाब से बैटर आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया दूध डाल के, और बैटर कुछ इस तरह का बनेगा। बहुत ज़्यादा पतला बैटर मैंने यहाँ नहीं बनाया है ब्राउनी का। और इसके बाद अभी विनेगर डालेंगे, तो विनेगर बस 1 छोटी चम्मच, जो चाय वाली चम्मच होती है ना, बस छोटी चम्मच एक इसको डाल देंगे। अभी इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे एक बार, और मिला करके ये एक पेपर मोल्ड मैं लेकर के आई थी, ये केक बनाने के लिए ही होता है। तो आप पेपर मोल्ड जब भी लेते हैं, तो बेकिंग वाला बोल के लीजिएगा, जिसमें बेकिंग हो सके। तो ये ओवन में भी आप डाल सकते हैं, चूल्हे पर भी, कढ़ाई में, या किसी भी बर्तन के अंदर आप रख के बेक कर सकते हैं। तो सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है देखिए, और इसको अभी थोड़ा सा बराबर कर ले रहे स्पैचुला से। फ्रेंड्स, इसको आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो चूल्हे पर बहुत ही इजीली बेक हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए, मोडे चॉकलेट को मैंने और थोड़ा सा काट करके ले लिया है, और बहुत सारा चॉकलेट में ऊपर भी डाल दे रही हूँ देखिए।
तो जितना चॉकलेट मैंने अभी काट के लिया था वो सब डाल दिया इसके ऊपर में, और अभी हम लोग इसको बेक करने चलते हैं। तो एक भारी कढ़ाही, एल्युमिनियम की कढ़ाही बहुत अच्छी होती है बेकिंग के लिए, मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। यहाँ पर एक वायर रैक रखेंगे और अपना मोल्ड रख देंगे, बिल्कुल सीधा इसको रखिए मोल्ड को, और इसमें ढक्कन लगा दीजिए। और ढक्कन लगा करके अभी हम लोग चूल्हे को जलाएँगे और इसको मीडियम फ्लेम पर 1.5 मिनट कम से कम रहने दीजिएगा, मीडियम फ्लेम पे 1.5 मिनट, और उसके बाद इस फ्लेम को कर दीजिएगा लो, और लो फ्लेम पर इसको अभी बेक होने देंगे। और आधे घंटे तक तो बिल्कुल भी खोलिएगा मत, बिल्कुल धीमे फ्लेम में इसको बेक होने दीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास ओवन है आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक जो था वो 45 मिनट में बेक हो गया था, आधे घंटे बाद मैंने चेक किया था तो बेक नहीं हुआ था, और 45 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से देखिए बेक हो चुका है। अभी पहचान ये है कि जब भी आप इसे छुएंगे तो बिल्कुल धंसेगा नहीं, गीला रहेगा तो धंस जाएगा, लेकिन ये पूरा ऊपर तक बेक हो गया है ना, तो जितना भी आप प्रेस करिएगा ना धंसेगा नहीं। और अभी चॉकलेट थोड़ा गीला है हल्का सा, लेकिन केक पूरा बेक हो गया है, और चॉकलेट तो गर्मी की वजह से अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है, ठंडा होगा तो अपने ठीक हो जाएगा। ये देखिए हमारा केक ठंडा हो गया है, और इस मोल्ड से निकालने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही इजीली निकल जाता है। और इस मोल्ड के अंदर कोई तेल वेल भी मैंने नहीं लगाया था, ये बेकिंग मोल्ड में तेल वेल लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। इसको हम लोग अभी चलिए निकाल लेते हैं। ओवन में आप इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे बेक कर सकते हैं, तो आप 25 से 30 मिनट का समय दे सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको अभी कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा यम्मी और टेस्टी दिखलाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये है हमारा ब्राउनी केक, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा ब्राउनी केक बनके तैयार हो चुका है, और इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं कट करके, और बच्चों को तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना वैसे सर्व करिएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, आप कोई चॉकलेट सिरप इस पर डाल सकते हैं, या चॉकलेट गनाश अगर आप बनाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। इस तरह से मैंने सर्व किया और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ट्राई करना बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी दूसरे तरीके से ब्राउनी बनाना सीखेंगे, और इस तरह से हमने बनाया ब्राउनी केक। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बतलाइए, और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से और भी बहुत सी यम्मी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।